तो क्या हो गया? या तो कोई मुझे समझा दे कि कुरान शरीफ में ये लिखा है और यहां पे ये फर्ज है, जैसे कहते हैं सिखों की पगड़ी सरदारों की पगड़ी, सरदारों की पगड़ी फर्ज है, सरदारों की जो पगड़ी है सरदारों पे फर्ज है, पर हिजाब फर्ज नहीं है। और यही चीज मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि जब इंडिया में ये हिजाब की चीज ने तूल पकड़ा था, हवा पकड़ी थी, तो पाकिस्तान की लेडी एंकर्स हिजाब को सपोर्ट कर रही थी और एक पाकिस्तानी लेडी एंकर ने खुद हिजाब नहीं पहना था, एक ने नहीं पहना था, लेकिन हिजाब को ऐसे सपोर्ट कर रही थी कि बिल्कुल जान निकल जाएगी बिना हिजाब के। मेरा भी मन चाह रहा था फोन करके बोलूं कि बहन तुमने क्यों नहीं पहना, तुम एक बात बताओ, अगर इतना बड़ा मामला है तो। देखिए, या तो इस्लाम में फर्ज है या नहीं है। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर बेसिकली मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन कर रहे हैं ईरान में जो सिचुएशन ख़राब हुई, आपको पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट को लेकर ईरान की जो गवर्नमेंट है करंट, वो किस तरीके से उन प्रोटेस्ट को दबा रही है। आपने सोशल मीडिया में और बहुत जगह फॉलो किया होगा, हालांकि इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी वीडियो आ रहे हैं, अब पता नहीं अंदर और कितनी ख़राब सिचुएशन है। ईरान को लेकर वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा ईरान की हिस्ट्री, बहुत पुराना ईरान का नाम था पारस, पूरी बताऊंगा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। प्लीज़ चैनल द को सिविल वॉर इन ईरान हैज वेरी लिटिल टू डू विद हिजाब। देखिए, ईरानी लोग जो हैं वो आज का सिविलाइजेशन नहीं है, ये सिविलाइजेशन हजारों साल पुराना है, जब किंग साइरस और किंग जर्क्सिस हुआ करते थे उनके भी पहले का है। तो दिस प्रीडेट्स इस्लाम, जो ईरानियन सिविलाइजेशन है वो इस्लाम के पहले का है। तो और ये उस वक्त का है जब आप ये लगा लीजिए, जब यू नो ड्यूरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस पूरे खित्ते में दिस वॉज अ सिविलाइज्ड प्लेस। और तो कहने की बात यह है कि उन लोगों का एक खास माइंडसेट है। 1979 जब रेवोल्यूशन हुई थी, उसके पहले बड़ा मॉडर्न मुल्क हुआ करता था, वहाँ के लोग मॉडर्न विचारधारा के हैं, मॉडर्न सोच के हैं, मॉडर्न जहनीत रखते हैं। लेकिन फिर वो मौलाना मौलवी आए और उन्होंने सबको फिर मारपीट शुरू करी। 1979 में रेवोल्यूशन हुई थी ईरान में, आपको पता ही है बेहतर मुझसे, तो ये सब हुआ। और फिर ईरानी लोग ऐसा पसंद भी नहीं करते, तो वो जो हैं वो लड़कियाँ जो हैं वो हिजाब हिजाब जला रही हैं या अपने बाल काट रही हैं। एक 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 लड़की है जिसने अपने बाल काट के अपने भाई की कब्र के ऊपर डाल दिया उसने। तो हिजाब तो एक ट्रिगर था। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अगेन एन ईरानियन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एक जो अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं ना, अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है, अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं मुल्ला के इस्लाम से आजादी की लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ पे मैंने इंडियन मुस्लिम्स पे ज्यादा नहीं देखा कि वो कमेंट कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो टीओआई प्लस करके आता है, वो पेड होता है टीओआई प्लस वो आर्टिकल, तो मैंने वो पढ़ा, हसन सुरूर साहब का है। तो वो जो आर्टिकल है मैं आपको बताता हूँ, उसमें इन्होंने ना काफ़ी एक कुछ बातें बोली हैं और ये मैं आपके भी थोड़ा सा सामने रखना चाहता हूँ। वाई इट इज़ टाइम टू डीलिंग हिजाब फ्रॉम इस्लाम, और ये हसन सुरूर साहब हैं और इनकी ओपनिंग लाइन्स क्या हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हरजू जी, इंडियन मुस्लिम्स एंड लिबरल्स हू आर स्टेइंग मम अबाउट द एंटी हिजाब प्रोटेस्ट इन ईरान आर मेकिंग द मिस्टेक ऑफ व्यूइंग अ सेक्युलर स्ट्रगल फॉर राइट्स थ्रू अ रिलीजियस प्रिज्म। एक जो सेक्युलर स्ट्रगल है ईरान में अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का, अपनी अपनी आजादी का, उसको एक रिलीजियस प्रिज्म से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, ये हसन सुरूर साहब का आर्टिकल ये कहता है कि यहाँ पे भारत में कई मुसलमान हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो ईरान की जो औरतें कर रही हैं गलत हैं और औरत को हिजाब में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मौलवी मौलाना रिलीजियस लीडर्स यही स्टोरी सुनाते रहते हैं उनको। तो ये चल रहा है यहाँ पे, विच इज वेरी सैड, बिकॉज आई थिंक और इंडिया में भी जो लोग कह रहे हैं ना कि आपने हिजाब मना करा, हिजाब किसी को मना नहीं करा अर्जु जी, भारत में भारत क्यों किसी को मना करेगा? हम कह रहे हैं स्कूल में मत पहनो, हम कह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है वहां पर मत पहनो, आपको घर में पहनना है, आपको शॉपिंग मॉल में पहनना है, आपको दफ्तर में पहनना है, आपको कहीं पर पहनना है पहनिए, आपका मामला, आपका पर्सनल मामला है, बट एक यूनिफॉर्म होती है ना, कल कोई कुछ पहनेगा, कल कोई कुछ पहनेगा, तो फिर पूरा मकसद क्या है किसी का भी स्कूल आने का या यूनिवर्सिटी जाने का, कि सब बच्चे बराबर हैं? ये बराबरी का जो इक्वालिटी का मकसद है ये डिफीट होता है, वरना क्या है? और फिर से वो बात कहूंगा जो मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताई थी आप ही के शो में, कि ओवैसी साहब जैसे जो लीडर्स हैं इंडिया में, वो आरजू जी कभी ये मुसलमान बच्चों से ये नहीं पूछते कि बेटा आपके नंबर कितने आए, आपको कोई कोचिंग क्लासेस के लिए आपको मदद चाहिए, आपकी मेडिकल की जो तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है, इंजीनियरिंग की तैयारी कैसी चल रही है, बेटा आप वकील बनना चाह रहे थे आपकी तैयारी, कभी वो वैसे साहब नहीं गए, कभी ये सब बातें नहीं करी, बेटा आप नमाज पढ़ पा रहे हो स्कूल में, बेटा आप हिजाब पहन के जा रहे हो कि नहीं जा रहे, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा। बच्चे का हक जो है वो इल्म का है, बच्चे का जो हक है वो इल्म का है, और कुरान शरीफ में जो पहला लफ्ज लिखा है वो इकरा है, रीड, बिल्कुल, और मुसलमान पर फर्ज है कि वो पढ़े, मुसलमान पे ये फर्ज नहीं है कि वो हिजाब पहने, मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़े। और जो कुरान शरीफ का जो पहला लफ्ज है इकरा, उसके खिलाफ ये मुसलमान लीडर जा रहे हैं। ईरानियन मुसलमानों, उनको ये बात समझ में आ गई बहुत पहले। हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीडर्स मौलाना मौलवियों की बात कर रहा हूँ, उनको कब कुरान शरीफ समझ में आएगी? जब आएगी तब आएगी।
ये तो आपने ये भी शायद न्यूज देखी होगी कि इरानियन प्रेसिडेंट से कोई इंटरव्यू लेना चाह रही थी, मुझे याद नहीं कि किस मीडिया से, सीएनएन की थी या बीबीसी की थी, तो उन्होंने कहा जी हेड कवर करके आए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं जी मैं इस तरह से नहीं आऊंगी। तो वो तो वहां पे अभी तक एक चल रहा है माइंडसेट, और अच्छी बात यह है कि वो लोग निकल रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे हैरत है इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर कि वो एक बिल्कुल ही उलट बात कर रहे हैं, यानी दोनों ही मुस्लिम मुस्लिम्स हैं और एक दूसरे से अलग बात कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं पहनना है, ये कह रहे हैं कि नहीं जी इस्लाम कहता है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी बात है पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने पहनना है पहने, नहीं पहना कुछ ऐसा जो है वो प्रॉब्लम कम अज कम होना चाहिए था, क्योंकि हर प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम थैंक गॉड के नहीं है। अर्जुन जी ऐसा है ना कि यहाँ पे मुसलमानों को जो उनके लीडर हैं, जो मौलवी मौलाना हैं, उन्होंने कभी भी मुसलमानों की तरक्की के बारे में बात नहीं करी। कभी ये नहीं बोला कि पढ़ाई क्या है, नौकरियों के बारे में ये कभी मुद्दा रेज नहीं करा। उनका सिर्फ ये था कि हज हज चले जाओ 50% डिस्काउंट दे देगी सरकार, और वक्फ बोर्ड ने इतनी जमीन और घेर ली है। वो यही है, इनके इनके दो तीन मसले हैं, पैसे का, जमीन का, और डायरेक्टली इस्लाम की जो रसूमात हैं उनका, इस्लाम की रूह से इनका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ के जो मौलवी मौलाना ज्यादातर है, सबकी बात नहीं कर रहा, इनकी इस्लाम का, इस्लाम की जो रूह है उससे कोई लेना देना नहीं है। और पाकिस्तान में भी यही है कि इस्लाम की रूह से कोई लेना देना नहीं है, और लोग अपने हिसाब से इस्लाम का चूरन खिलाते हैं सबको, तो भारत में भी यही चीज़ है। तो उन बच्चों को देखिए, उन बच्चों का करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि उन बच्चों को ये बोल दिया है अब जाके कि तुम बहुत बड़े नेता बन गए बेटा, तुम बहुत बड़े लीडर बन गए, और अगले एमएलए तुम ही बनोगे, और तुम आप पूरी उस मुसलमान कौम को कहां ले जा रहे हैं आप। दे शुड टेक मुस्लिम स्टूडेंट्स टुवर्ड्स साइंस, टुवर्ड्स मैथ्स, ये तरक्की का रास्ता है। ये तरक्की का रास्ता नहीं कि बेटा आपने हिजाब पहना कि नहीं पहना, और नहीं पहना उसने हिजाब तो क्या हो गया। या तो कोई मुझे ये समझा दे कि कुरान शरीफ में ये लिखा है और यहां पर यह फर्ज है, जैसे कहते हैं सिखों की पगड़ी सरदारों की पगड़ी, सरदारों की पगड़ी फर्ज है, सरदारों की जो पगड़ी है सरदारों पे फर्ज है, पर हिजाब फर्ज नहीं है। और यही चीज मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि जब इंडिया में ये हिजाब की चीज ने तूल पकड़ा था, हवा पकड़ी थी, तो पाकिस्तान की लेडी एंकर्स हिजाब को सपोर्ट कर रही थी, और एक पाकिस्तानी लेडी एंकर ने खुद हिजाब नहीं पहना था, एक ने नहीं पहना था, लेकिन हिजाब को ऐसे सपोर्ट कर रही थी कि बिल्कुल जान निकल जाएगी बिना हिजाब के। मेरा भी मन चाह रहा था फोन करके बोलूं कि बहन तुमने क्यों नहीं पहना, तुम एक बात बताओ, अगर इतना बड़ा मामला है तो। देखिए, या तो इस्लाम में फर्ज है या नहीं है, दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो फर्ज है या वो नहीं है। और इस्लाम इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रहता, जिस तरीके से क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप पे फर्ज है तो फिर इसका मतलब जो टीवी एंकर है वो गैर मुस्लिम है, जो बोल रही है कि सबको हिजाब पहनना चाहिए, तो तुम गैर मुस्लिम हो, तो कोई ना कोई तो सच्चा, कोई ना कोई तो जो, अगर एक कल्चरल चीज है तो कल्चरल चीज तो कई सारी चीजें हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ कि अगर मैं, कई सारी ड्रेस रेगुलेशन होते हैं आप कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है, अगर कोई मंदिर जाएगा तो जूते पहन के थोड़ा ना जाएगा मंदिर के अंदर। आई थिंक मस्जिद में भी यही रूल्स होंगे, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मस्जिद में भी नहीं जाते होंगे आप बाहर जूते चप्पल बाहर उतार के अंदर जाते हैं। कल बोले नहीं मेरा फ्रीडम है, मैंने तो मस्जिद के अंदर चप्पल पहन के जानी है, मंदिर के अंदर जूता पहन के जाना, मेरा फ्रीडम है, ऐसे थोड़ा ना होता हर एक। और वो इज्जत की बात है ना, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। हम जब आईसीयू में जाते हैं किसी से मिलने, तो कई जगह ऐसा होता है कि आपको वो रोब्स पहना देते हैं ऊपर से, और आपको बोलते हैं मास्क पहन के जाइए, ग्लव्स पहन के जाइए, इन्फेक्शन ना फैले, वो वहां का रूल है। तो आपको कई क्लब्स ऐसे होते हैं जहां पे वो कहते हैं कि साहब ये ड्रेस चलती है, ड्रेस नहीं चलती है, राइट। आप कहीं जाएंगे तो लोग आपको मना कर देते हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, आपको फुल स्लीव्स पहन के जाना है, कई जगह ऐसा होता है। आप आर्मी में ड्रेस रेगुलेशन है, तो हर जगह अपने अपने ड्रेस रेगुलेशन होते हैं, और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। फालतू में एक लड़ाई जो है, आज तक हिजाब का कोई, 2022 में ही भारत में हिजाब की प्रॉब्लम है, इसके पहले आपने सुना था अर्जुन जी, आप भी इतने साल से इंडिया फॉलो कर रही हैं, कभी आपने सुना इंडिया में किसी मुस्लिम लेडी ने, किसी औरत ने, किसी बच्चे ने ये बोला कि मुझे हिजाब के लिए प्रॉब्लम है? ये 2022 में क्यों? यहाँ पे मुसलमान आज से रह रहे हैं, हजार साल से रह रहे हैं, कभी आपने सुना? सोशल मीडिया पे कभी आपने देखा? नहीं। ये हिजाब वाली चीज मैन्युफैक्चर करी गई है, ये जानबूझ के एक एक पूरी कौम को, मुसलमान कौम को गुमराह करने की एक साजिश है। और कि हम तो ये सब चल रहा है यहाँ पे, चलता है यहाँ पे, ये चलता है। और तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से मेजर गौरव आर्य एक्सप्लेन कर रहे थे। ईरान, आप जानते हैं ईरान अभी हाल फिलहाल में आया हुआ एक नाम है। आप ऑलमोस्ट सोचें तो ईरान ज़्यादा से ज़्यादा 7वीं शताब्दी के आसपास, ईरान मतलब जो पारस था वो चेंज हो गया। पारस आपको पता होगा, पारस से पारसी निकला है, ईरान जो कंट्री थी वो पारसियों की थी। वो हुआ क्या आपको पता है, इस्लाम कैसे फैला सब कुछ पता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, साइरस दी ग्रेट के बारे में सुना होगा, और 300 मूवी देखी होगी, बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल मूवी हैं जो ईरान पारस की सभ्यता को बताती हैं, कितना वो रिच था कल्चर उसका, और आप पढ़ें उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बट ईरान के पारसी तो अब आपको पता है नाम मात्र के बचे हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पारसी रहते हैं, वो भी 70 से 80 हज़ार या 1 लाख पान लें आप, ऊपर नीचे इतना ही होगा 1 लाख। और पारसी लोगों का भारत की जीडीपी में अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन, तो टाटा ग्रुप देख लें आप,
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पारसी, मतलब बहुत सारे, मतलब मैं अभी एक्ट्रेस की बात करूँ तो अमायरा दस्तूर आपने नाम सुना होगा, और मैं फेमस पायरस पारसी वो सारस, एक एंकर है सायरस, आपने देखा होगा, सायरस बरूचा नाम है उनका, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पारसी हैं, और बहुत बड़ा बड़ा नाम है, आपने देखा होगा विक्रम साराभाई पारसी थे वो, तो मतलब पारसी लोगों की आबादी बहुत कम रही है लेकिन भारत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। और पारसी बेसिकली आग की पूजा करते हैं, अगर आप देखें तो, आप उनके बारे में पढ़ें तो, बेसिकली ये सबसे ज़्यादा मुंबई गुजरात में रहते हैं, और मतलब आप इनके बारे में पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। अब आप सभ्यता देखें, इनकी सभ्यता ही गायब हो गई, और एक सेम सेम टाइप के अटैक भारत ने झेले हजारों साल से। भारत की सभ्यता आज भी है, आज भी आप नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हो, आज भी आप जो चीज़ें हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हो। हो सकता है इन्फ्लुएंस कुछ हद तक, जैसे भारत का सबसे ज़्यादा कल्चरली, जहाँ पे भारत के मतलब सबसे ज़्यादा जो हिंदू देवी देवता हैं, जैसे कि आप देखें श्री कृष्ण, राम भगवान, यूपी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुगलों का कितना ज़्यादा वो रहा, और कितना उसके बावजूद भी कल्चर हमारा नहीं गया, लोग लड़ते रहे, बचते रहे, लड़ते रहे, मारते रहे, मरते रहे, लेकिन फिर भी कल्चर बचा हुआ है। ऐसा नहीं है, हमारा भी बहुत सारा हिस्सा ख़राब हुआ है, भारत के कितने सारे हिस्से अलग हुए हैं भारत से, आप देख सकते हो भारत का पुराना मैप और अब का मैप, तो भारत को नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट फिर भी हमारा कल्चर बचा हुआ, पारस की तरह नहीं कि वहाँ पे गायब हो गया, वहाँ का कल्चर गायब हो गया। तो वो लोग अब रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, उनका डीएनए तो आखिर है तो वही पारसी पुराना खून, तो अब रेजिस्टेंस दिखाएंगे, होगा इन फ्यूचर क्या होगा पता नहीं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें चैनल को।